हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे पेस अंसरीन बरसा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले कि ये बरसा क्या चीज़ है। तो देखिए, बरसा कुछ नहीं होता, एक साइनोवियल फ्लूड से भरी थैली होती है जो कि टेंडन को बोन टेंडन और बोन होता है। अभी देखिए, ये पेपर क्या है, दिस इज़ बोन, और ये ब्लू कलर का क्या है, दिस इज़ टेंडन। तो देखिए, अगर ये टेंडन बोन ऐसे होंगे, अगर ये टेंडन ऐसे हिलेगा तो देखिए ये बोन पे थोड़ी बोन को रब करेगा, मतलब बोन पे रगड़ेगा तो टेंडन के डैमेज होने के चांस होते हैं। तो क्या होता है, इस डैमेज को बचाने के लिए होता है बरसा, यानी कि फ्लूड फील्ड केविटी, यानी एक थैली। तो क्या होगा, बोन और टेंडन के बीच में क्या आ जाता है, एक बरसा यानी एक थैली आ जाती है जो कि टेंडन को बोन पे रब होने से रोकती है। ओके, अब देखते हैं पेस एंसरीन बरसा ये क्या है। तो देखिए, बेसिकली ये पाया जाता है कहाँ पे, नी जॉइंट में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये होता कहाँ पे है, ये होता है नी जॉइंट पे। तो देखिए, नी जॉइंट पे बहुत सारे बरसा होते हैं। कैसे, पहले मैं यहाँ पे नी जॉइंट का डायग्राम बनाऊंगा कि नी जॉइंट्स पे हमारे कौन कौन से बरसा प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ एक टेंडन। ओके, तो देखिए, ये एक टेंडन है, कोई सी मसल्स अज्यूम कर लीजिए, तो ये एक मसल का टेंडन है। ओके, अब देखिए ये टेंडन होगा, सॉरी आप इसे देख लीजिए, दिस इज एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू कैसे, ये तो है हमारा लेटरल साइड, ये है हमारा मीडियल साइड, और ये क्या है, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, ये है हमारा नी जॉइंट। डायग्राम थोड़ा दोबारा बना देते हैं, मैं यहाँ दोबारा कर रहा हूँ। देखिए, ये समझ लीजिए, दिस इज ये है हमारा नी जॉइंट। ओके, और ये क्या है, दिस इज लेटरल साइड, दिस इज मीडियल साइड, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पटेला। तो देखिए, ये ब्लू कलर से क्या है, दिस इज पटेला, और पटेला पे कौन सा टेंडन अटैच होता है, क्वाड्रिटस फिमोरिस का, सॉरी क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस का। तो ये क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस का टेंडन है और यही नीचे की तरफ लाई कर रहा है। ओके, तो ये एक टेंडन हो गया। ओके, अब देखिए इस टेंडन के आसपास बहुत सारे बरसा होते हैं, बहुत सारे बरसा कैसे, देखिए अब मैं जो भी इस कलर के पेन से शो करूंगा वो सारे क्या होंगे, बरसा होंगे। तो देखिए, एक बरसा होता है यहाँ पे, एक जस्ट पटेला बोन के ऊपर होता है, ये ब्लू कलर से क्या है, दिस इज पटेला बोन, ये एंटीरियर व्यू है नी जॉइंट का। ओके, दिस इज पटेला, वो तो एक बरसा ये हो गया, एक बरसा ये हो गया, मतलब एक थैली यहाँ पे होगी, एक थैली यहाँ पे होगी, एक बरसा यहाँ पे होगा और एक बरसा यहाँ पे होगा। देखिए, और भी बरसा होते हैं लेकिन मैं मेन मेन की बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे चार बरसा, 1 2 3 4, कैसे, ये पटेला बोन है, एक पटेला के ऊपर है, फर्स्ट वाला पटेला के जस्ट ऊपर, दिस इज सेकेंड बरसा, सेकेंड बरसा कहाँ पे है, पटेला के जस्ट आगे, थर्ड वाला है पटेला के जस्ट नीचे, और फोर्थ वाला है पटेला के जस्ट साइड में, तो दिस इज फोर। तो देखिए, जो हमारा अव्यय 1 2 3 4, इन बरसा के नाम लिख देते हैं। तो देखिए, जैसे पोजीशन वैसा नाम, फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा, फर्स्ट वाले का नाम होगा सुप्रा पटेलर, सुप्रा पटेलर बरसा। सेकेंड वाले बरसा का नाम क्या होगा, प्री पटेलर। नंबर थर्ड वाले का नाम क्या होगा, इंफ्रा पटेलर, इंफ्रा पटेलर। ओके, और नंबर फोर वाले का नाम क्या होगा, पेस एंसरीन, मतलब कि हमें ये वाला पढ़ना है। ओके, मतलब ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर बरसा, बरसा या फिर थैली, मतलब लिक्विड से भरी थैली है। तो बेसिकली चार होते हैं, पटेला के ऊपर सुप्रा पटेलर, पटेला के जस्ट आगे प्री पटेलर, पटेला के जस्ट नीचे, देखिए 1 2 3 4, इनकी नेमिंग इस सीक्वेंस है। तो हमें पढ़ना है चौथा वाला। तो ये कहाँ पे है, ये नी जॉइंट के, मतलब पटेला के जस्ट नीचे और मीडियल साइड होता है। अब देखिए, वही पेस एंथ्रीन बरसा भी क्या करेगा, टेंडन को बोन पे रब होने से रोकेगा, मतलब तकिए की तरह काम करेगा। अब आते हैं पेस एंथ्रीन बरसा पे कि ये किन किन टेंडन्स के बीच होता है। हमने बोला ना अभी कि टेंडन्स के बीच होगा, तो देखिए हमें यहाँ बनाना पड़ेगा सबसे पहले वापस एक थाई का डायग्राम। ओके, थाई का डायग्राम बनाएंगे हम। तो देखिए, ये हो गई थाई की लेटरल सरफेस,
ये हो गई थाई की मीडियल सरफेस। ओके, तो दिस इज लेटरल, दिस इज मीडियल। देखिए ऐसा का ऐसा पेयर एक्स इस साइड होगा, और वही हम इसे एंटीरियर व्यू देख रहे हैं, मतलब हम आगे से देख रहे हैं। तो देखिए ये है हमारी थाई है, ये दिस इज थाई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता होगा हिप बोन होती है। तो देखिए मैं हिप बोन में 3 पॉइंट ले रहा हूँ। 3 पॉइंट क्यों? क्योंकि जो पेस एंसरीन बरसा होता है वह 3 टेंडन्स के बीच होता है। ओके, और वह तीनों टेंडन्स तो यहाँ पे अलग अलग जगह अटैच होते हैं। तो हिप बोन्स में वह 3 टेंडन का, 3 मसल्स के टेंडन होंगे अलग अलग मसल्स के। तो देखिए 1 2 3, ये 3 पॉइंट किसके हैं? ये तीनों पॉइंट है हमारी हिप बोन के। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 3 3। वह कैसे? यहाँ पे होंगे 3 टेंडन। ओके, 3 टेंडन के बाद और वह टेंड वह सॉरी 3 टेंडन होंगे, वह 3 टेंडन किसके होंगे? 3 अलग अलग कंपार्टमेंट की मसल्स के। देखिए थाई में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो हर कंपार्टमेंट से एक टेंडन होगा। उसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि हर कंपार्टमेंट से अगर एक टेंडन होगा तो ईच टेंडन की सेपरेट मतलब अलग नर्व सप्लाई होगी। मतलब क्या कि जो तीनों टेंडन है उनकी उनको सप्लाई करने वाली नर्व भी कौन सी होगी? अलग अलग होगी। तो देखिए 3 टेंडन कह दीजिए या 3 मसल्स कह दीजिए, तीनों मसल्स अलग अलग कंपार्टमेंट की है, और इसीलिए उन तीनों मसल्स की नर्व अलग अलग है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स कौन से लिए? जहाँ पे देखिए मसल्स होगी तो एक एंड ऊपर अटैच होगा, एक एंड नीचे अटैच होगा। तो देखिए नीचे वाला तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि तीनों टेंडन्स आके कहाँ मिलेंगे? नंबर 4, यानी कि टीबिया के मीडियल साइड पे अटैच होंगे। तो अब आते हैं कि ये 4 पॉइंट, 3 पॉइंट हिप बोन के कौन कौन से हैं। तो देखिए ये तो है हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये वाला, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये वाला क्या है? दिस इज प्यूबिस। ओके, दिस इज प्यूबिस या प्यूबिक ट्यूबरकल बोल दीजिए। उसके बाद दिस इज, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है इश्चियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज इश्चियल ट्यूब्रोसिटी। ओके, तो देखिए ये 3 पॉइंट हो गए, और इन तीनों पॉइंट से हमने बोला था 3 टेंडन या 3 मसल्स होती है, तो ईच पॉइंट फॉर ईच मसल। तो देखिए इससे मैंने एक मसल अटैच की, इससे भी मैंने एक मसल अटैच की, और इससे भी मैंने एक मसल अटैच की। तो तीनों से 3 मसल अटैच हो गई, और कहाँ पे इंसर्ट होगी? टीबी, यहाँ पे कहीं टीबिया बोन होगी। ओके, तो ये क्या है? दिस इज टीबिया। टीबिया मीडियल साइड ही होती है, तो ये तीनों मसल्स यहाँ से निकलेगी और टीबिया के मीडियल मीडियली जाके अटैच हो जाएगी। तो ये तीनों देखिए मैंने यहाँ पे आके टीबिया के इनको मीडियल साइड अटैच कर दिया। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। मैंने 3 पॉइंट लिए थे ना हिप बोन के, 1 2 3। तो देखिए मैं इनको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ट्राइंगल कैसे बना। देखिए ये आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। अब देखिए ये क्या है? तो देखिए ये जो 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट हिप बोन के, और इसका एक एंड कहाँ अटैच है? टीबिया पे। मतलब क्या कि जो ये स्ट्रक्चर बनी है वह एक टेंट के समान बनी। टेंट के समान कैसे? देखिए अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ये 3 पेन लेता हूँ, 3 पेन कौन से? अभी देखिए मसल्स के नाम हम बताएंगे। तो देखिए तीनों पेन है। अब देखिए यहाँ पे तो ये अटैच है टीबिया से, तो देखिए मैंने इन तीनों को यहाँ पे कॉमन अटैच कर दिया, और यहाँ पे क्या है, ये बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह पे है। टीबियल ट्यूब इशियल ट्यूब्रोसिटी पीछे की साइड होगी। हमने क्या बोला था कि ये तीनों कहाँ पे हैं? मैंने बोला था कि तीनों मसल्स है से अलग अलग कंपार्टमेंट की। ओके, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, तो हिप बोन पे भी कहाँ पे अटैच होगी? नियर अबाउट एंटीरियरली अटैच होगी। कहीं मैं बोलूंगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है तो कहाँ पे अटैच होगी? नियर अबाउट पोस्टीरियरली। और मैं बोलूंगा लेटरल की है तो नियर अबाउट हिप बोन पे भी लेटरल साइड अटैच होगी। मतलब क्या कि एक ट्राइंगल ऐसे 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 कोन बनता है, ऐसे कोन जो देखिए न्यू समझ लीजिए, 3 फिंगर्स है ना मेरी, तो ऐसे कोन बनता है। तो यहाँ तो कॉमन चिपक रही है और तीनों बिखरी हुई है। मतलब क्या कि इस जो ये स्ट्रक्चर है, इसने हिप बोन को स्टेबल कर रखा है। कहाँ पे? टीबिया पे। तो अगर मैं इनको इससे एक ऐसे कोन बनाता हूँ, तो ये देखिए
ये एक कौन टाइप में स्ट्रक्चर बन जाएगी, और जो ये ऊपर की तीन खुले हुए पार्ट है ये क्या शो कर रहे हैं, इस हिप बोन को, यहाँ पे कहीं हिप बोन होगी और यहाँ पे टीबिया पे ये कॉमन कॉमन इंसर्ट हो रही है। तो मतलब क्या कि इस स्ट्रक्चर ने, जैसे टेंट लगाते हैं ना, टेंट में क्या करते हैं, उसका टॉप वाला एकदम नुकीला होता है और नीचे वाला क्या होता है, फैला हुआ, मतलब नीचे वाली रस्सियाँ फैली होती है। मतलब क्या कि इस पेस अंसरीन ने तीन टेंडन के थ्रू हिप बोन को अपनी जगह पे स्टेबल कर रखा है। ओके, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखते हैं इनमें कौन सा टेंडन क्या है। तो देखिए इस ये वाला टेंडन है, दिस इज फॉर ST, ST यानी सेमी टेंडिनोसस। और जो ये वाला टेंडन है देखिए, मैं ये वाला फिक्स होगा सेमी टेंडिनोसस, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे अटैच है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी पे। ओके, उसके बाद जो ये वाला टेंडन होगा, ये वाला कौन सा, जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अटैच है, ये वाला टेंडन होगा हमारा सार्टोरियस मसल्स का, सार्टोरियस। ओके, सेमी टेंडिनोसस हो गया, सार्टोरियस हो गया, और उसके बाद जो प्यूबिस से अटैच है ये टेंडन कौन सा होगा, ये वाला टेंडन होगा हमारा, इस टेंडन का नाम होगा, दिस इज ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस। ओके, दिस इज ग्रेसिलिस। तो देखिए इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इनका ओनली स्टार्टिंग का वर्ड लीजिए, वो क्या है, SGST, सार्टोरियस ग्रेसिलिस सेमी टेंडिनोसस। और देखिए हमारे पास तीन मसल्स है, तीन टेंडन तो हो गए, और देखिए सार्टोरियस, दिस इज द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट, सेकेंड होती है ग्रेसिलिस, दिस इज द मसल ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट, और सेमी टेंडिनोसस ये होती है लेटरल कंपार्टमेंट की। तो तीनों मसल्स सेपरेट कंपार्टमेंट की हो गए, और बेसिकली अगर सेपरेट कंपार्टमेंट की है तो तीनों की नर्व सप्लाई भी अलग अलग होगी। वो कैसे, देखिए उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सेमी टेंडिनोसस, तो दिस इज सेमी टेंडिनोसस, इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, दिस इज टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। ओके, तो इसकी सेपरेट नर्व हो गई ग्रेसिलिस, दिस इज द मीडियल कंपार्टमेंट, और इसकी क्या होगी, ऑब्टुरेटर नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व। ओके, और एक होती है साल्टोरियस, साल्टोरियस दिस इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल, तो और इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व। ओके, फीमोरल नर्व। तो देखते हैं इनको लिख भी देते हैं कौन सी कहाँ की है। तो ये तो क्या है, सॉरी, सेमी टेंडिनस, दिस इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ओके, ये कहाँ की मसल है, सेमी टेंडिनोसस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, ग्रेसिलिस ये कहाँ की मसल है, ये है हमारे मीडियल कंपार्टमेंट की। ओके, और ये साल्टोरियस ये कहाँ की मसल है, ये है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट की। तो देखिए तीन टेंडन, तीनों सेपरेट कंपार्टमेंट के, और तीनों की नर्व सप्लाई भी अलग अलग। और ये पेस एंसरीन बर्सा बेसिकली क्या है, ये है क्या बोलते हैं, हिप बोन को उसकी जगह पे स्टेबल करने के लिए, जैसे हम टेंट में करते हैं ना, टेंट में चादर को स्टेबल करने के लिए उसको अलग अलग जगह से रस्सियों से बांधते हैं, तो रस्सियाँ यहाँ पे क्या है, रस्सियाँ है यहाँ पे, ये टेंडन्स। ओके, और उसके अलावा इसमें एक और बात ये है कि देखिए ये तो डायग्राम हो गया, उसके अलावा हमारी बुक में एक और डायग्राम दिया हुआ है BDC में, वो ये है कि उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो डायग्राम कौन सा है, तो देखिए एक डायग्राम है BDC में, ये वाला ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है वहां पे। तो अब देखिए बच्चों का इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये क्या शो कर रखा है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए कुछ नहीं है, जो ये डायग्राम है ये बेसिकली ओनली फॉर इस जगह का दे रखा है, इसने पूरा डायग्राम नहीं दे रखा, ओनली जो ये वाला डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, ये डायग्राम है ओनली फॉर इस जगह का, ये इस जगह वाला है, यहाँ पे अगर इसका हम कट सेक्शन लेंगे तो वो कैसा दिखेगा उसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो देखिए जो ये स्ट्रक्चर बनाई है, जो ये मैंने थोड़ा मतलब अलग थोड़ी बिगड़ी हुई डिजाइन बनाई है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा है हमारा पेस एंसरीन बरसा। ओके, ये पूरा का पूरा हो गया पेस एंसरीन बरसा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ शो कर रहा हूँ तीन टेंडन, तीन टेंडन कौन से हैं, वही SGST वाले, सेमी टेंडिनोसस ग्रेसिलिस, सॉरी सार्टोरियस ग्रेसिलिस और सेमी टेंडिनोसस। तो वो तीन टेंडन कौन से होंगे, तो एक तो होगा यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे, देखिए ये खड्डे किसके लिए हैं, टेंडन के लिए ही होंगे बेसिकली। और हमने बताया था कि बर्सा का यूज क्या है, टेंडन को बोन से रगड़ खाने से रोकना। तो तीन टेंडन हो गए,
एक हो गया ये वाला, एक सॉरी ये एक टेंडन ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। अब देखते हैं इन टेंडन के नाम क्या है, इसमें कौन सा क्या है। तो देखिए ये तो है सबसे बड़ा वाला, दिस इज फॉर साल्टोरियस, ऐसे आल्टो मतलब दिस इज फॉर साल्टोरियस। ये वाला टेंडन किसके लिए है, ये वाला टेंडन है हमारा ग्रेसिलिस के लिए, ग्रेसिलिस ओके। और जो ये वाला टेंडन है वो किसके लिए है, सेमी टेंडिनोसस के लिए। तो देखिए तीन टेंडन हो गए। और जो ये पिंक कलर से मैंने शो किया है, ये सारा का सारा क्या है, दिस इज ओवरऑल बर्सा। कौन सा बर्सा, पेस एंसरीन। सो थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, दिस इज पेस एंसरीन, मतलब पेस एंसरीन मतलब समझ लीजिए ये क्या है, बर्सा ओके। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और टेंडन शो किया हुआ है, यहाँ पे बुक में एक और टेंडन शो किया हुआ है, और इसको क्या दे रखा है, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। तो देखिए बेसिकली ये क्या है, दिस इज टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। तो देखिए मैंने बोला था कि ये डायग्राम कहाँ से उठाया गया है, यहाँ से उठाया गया है, इस पोर्शन का डायग्राम है। और देखिए ये मीडियल साइड है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिगामेंट होता है जो टीबिया को फीमर से जोड़ता है, यहाँ पे ऐसे एक लिगामेंट होता है ऐसे। तो देखिए अगर हम इसे यहाँ से कट सेक्शन लेंगे तो टीबियल कोलेटरल लिगामेंट भी कटने में आएगा। तो देखिए इसलिए यहाँ पे ये शो किया हुआ है, मतलब क्या कि जो ये पेस एंसरीन बर्सा है वो किससे कनेक्ट मतलब किससे रिलेटेड होता है, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट से भी रिलेटेड होता है। और तीन टेंडन तो हमने यहाँ बता ही दिया, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है इसका क्लिनिकल्स, इसके क्लिनिकल पे आते हैं कि पेस एंसरीन बर्सा हमने पढ़ लिया है जो कि ये पिंक वाला है। तो इसके क्लिनिकल्स ये है कि अगर इसमें कोई बर्साइटिस मतलब थैली फट जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब थैली फट गई मतलब तकिया गायब हो गया तो टेंडन बोन से रब करेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, पेन होगा। तो देखिए जो इसका क्लिनिकल्स बस एक है, स्विमर्स, SWIMM, स्विमर्स में क्या होता है, स्विमर्स पैरों का ज़्यादा यूज करते हैं स्विमिंग करने में। तो बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा यूज करेंगे तो इन तीनों साल्टोरियस ग्रेसिलिस और सेमी टेंडिनोसस इन मसल्स में ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिससे क्या होता है ये बर्सा फट जाता है, मतलब दब ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो देखिए तीनों टेंडन के बीच बीच में बर्सा है, अगर ये दोनों ज़्यादा पास आ गए, ज़्यादा दब गया तो फट गया, बर्सा फट गया तो बंदे को पेन होगा, बंदे को पेन होगा तो बंदे को पेन होगा मतलब क्या हो जाएगा, पेस एंसरीन बर्साइटिस हो जाएगा, पेस एंसरीन बर्साइटिस, पेस एंसरीन बर्साइटिस हो जाएगा मतलब बर्साइटिस, यहाँ पे ये खुद बोल रहा है आईटीआईएस, आईटीएस मतलब उसको पेन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेस एंसरीन बर्सा। और हाँ इसमें एक बात और है कि इसे एक होता है गूस फुट, एक और वर्ड लिख रहा है उसका नाम है गूस फुट, इस डायग्राम के लिए लिखा है, ओनली फॉर ये लिखा है गोस फुट, जी यहाँ लिख देता हूँ मैं गोस फुट। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए गोस फुट, आपको ये फुट तो समझ में आ रहा होगा, फुट मतलब पैर, गूस मतलब एक टाइप की चिड़िया होती है, तो गूस फुट मतलब चिड़िया का पैर, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है उसकी, ये स्ट्रक्चर है तो जैसे अपन डालते हैं ना कि मेरा, अगर इसको आप अज्यूम कीजिए मेरा पेड़ है, इसको मैं कहीं गीली मिट्टी में डाल दूँ तो उसका इंप्रेशन दिखेगा। तो देखिए अगर गूज फुट जो गूज नाम की चिड़िया का पेड़ है, अगर हम उसका इंप्रेशन लें तो वह डिट्टू पेस एंसरीन बरसा जैसा दिखता है, इसीलिए पेस एंसरीन बरसा को क्या बोलते हैं, मतलब जो देखा ना बिगड़ा हुआ है ना ये, इसका एक पॉइंट इधर भग रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, मतलब कि अगर हम गूस फुट चिड़िया के पैर को गीली मिट्टी में रखें तो जो इम्प्रेशन दिखेगा वैसा इम्प्रेशन डिट्टू किसके समान है, पेस एंसरीन बरसा के समान। तो इसीलिए पेस एंसरीन जो बरसा है उसे हम गूस फुट भी बोलते हैं, मतलब दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है या फिर MCQ में दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेस एंसरीन बरसा।